Hi friends, this is Devashish Goyal. Welcome to My Career YouTube official channel, and today we will discuss IBPS Clerical 2018 Prelim LR section. Memory based question है ये सारे, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता ही है कि अपना IBPS Clerical 2019 आने वाला है, तो उससे पहले ये जरूरी है कि last year कैसे questions आए थे, ठीक है? उनको कैसे solve करना है और जो 2019 में हमारे पास क्लेरिकल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको इनके बेसिस पे ही हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं लेगा, तो वो सारी स्ट्रेटजी भी हम इसके साथ साथ करेंगे, ठीक है? तो ये जरूरी है हमारे पास, क्योंकि आपको पता ही है कि 20 मिनट है हमारे पास 35 क्वेश्चंस करने के लिए. क्लेरिकल लेवल पे 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत मुश्किल से लोग 20 में से जो है 25 या 30 क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है? बट हम 35 के 35 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की. तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड देन उसके बाद आप इनके सॉल्यूशंस को देखिए. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास अरेंजमेंट में से है. जैसे कि आपको पता ही है कि बैंकिंग एग्जाम में अरेंजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हम कहते हैं कि तीन या चार अरेंजमेंट अराउंड मतलब 20 क्वेश्चंस जो है आपको प्रीलिम में देखने को मिलते हैं. तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के करने वाला यह टॉपिक होता है. एक एक लाइन को समझ के उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट बनानी है. एंड सेकंड थिंग इज कि दो से ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज नहीं लेनी है. अगर आप दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज लेते हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, ठीक है? तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेनी है, एक में ही सभी को बिठा बिठा के नहीं देखना है. तो हमारे पास क्या है, 7 पर्संस ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे. तो 7 लोग हमें दिए गए हैं, मूवी देखने जाते हैं, मंडे से लेके संडे तक का हमें टाइम दिया गया है. तो दो चीजें हमारे पास हैं, पर्सन का नेम एंड डेज. तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो ऐसे में आप डेज को फिक्स करके चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं. हमें इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज लेनी इजी रहती है. तो हम डेज को फिक्स करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे. तो जो बी है वो ट्यूसडे को मूवी देखने जाता है. तो मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो है ट्यूसडे. तो ट्यूसडे हमारा फिक्स हो गया बी के लिए. तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम चलेंगे, F is going to watch movie on adjacent day of B. जो F है वो B के adjacent day में movie देखने जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो possibilities बनेंगी. First possibility is कि F जो है हमारा Monday को हो सकता है movie देखने के लिए, क्योंकि adjacent है तो पहले भी हो सकता है एक दिन और बाद में भी हो सकता है. And second possibility is कि B हमारा यहाँ पे fix है, तो F जो है Wednesday को भी movie देखने जा सकता है. तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे बनेगी. नेक्स्ट लाइन है हमारे पास क्या, देयर आर 3 डेज गैप बिटवीन द डेज ऑन विच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच मूवी. तो एफ एंड ए के बीच कितने दिन का गैप है, 3 दिन का. तो अगर एफ मंडे को मूवी देखने जाएगा तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 दिन का गैप बना. तो ए जो है हमारा आएगा फ्राइडे को. अगर एफ वेंसडे को है तो ऊपर की ओर तो जा नहीं सकते हम, नीचे आएंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का गैप बनेगा, तो संडे को जाएगा ए मूवी देखने. क्लियर है सभी को यहां तक? नेक्स्ट है, जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी. जो जी है वो डी के नेक्स्ट डे मूवी देख रहा है, ठीक है? जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी. तो डी के बाद कौन आएगा, जी? जी आएगा. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन गई कि भाई डी, जी वेंसडे और थर्सडे को भी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटीज डी एंड जी सैटरडे संडे को भी आ सकता है. यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई थर्सडे फ्राइडे डी जी आ गया, फिर देन उसके बाद यहाँ पे भी डी जी हमारे पास आ सकता है. तो इस लाइन को हम यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, स्किप करके चलेंगे, बट हमें ये पता है कि डी एंड जी इकट्ठे आने चाहिए. नेक्स्ट क्या है, देयर आर एज मैनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी एंड सेम एज बिटवीन डी एंड सी. ए एंड जी के बीच उतने ही लोग होने चाहिए जितने की डी एंड सी के बीच मूवी देखने के लिए है.
तो अगर मैं डी एंड जी को वेंसडे थर्सडे बिठाऊंगा तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ए एंड जी के बीच कोई भी पर्सन नहीं बैठा है, तो हमें डी एंड सी के बीच भी कोई भी पर्सन नहीं बिठाना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे जी बैठा है और ऊपर बी बैठा है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल होगी। यस, अगर हम यहां पर यह पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो डी हमारा यहां पर बैठेगा सैटरडे को और जी आएगा संडे को। यस, और अब उन्होंने कहा ए एंड डी जी के बीच जितने बंदे बैठे हैं, अब ए एंड जी के बीच कितने पर्सन हैं, एक, तो डी एंड सी के बीच भी एक ही बैठना चाहिए, दैट मींस जो सी है वो बनेगा थर्सडे को। यहां पे हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, अगर हम डी एंड जी को यहां पे लेके चलते हैं तो भाई ए एंड जी के बीच कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम डी को यहां पे बिठा दें और जी को यहां पे बिठा दें, और ए और जी के बीच कोई पर्सन नहीं है तो सी एंड डी के बीच भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, दैट मींस सी यहां पे हमारा आ सकता है और यहां पे हमारे पास ई बैठेगा। यस, तो इधर भी हमारे पास लास्ट पर्सन बचा ई, तो ई को हम यहां पे बिठा सकते हैं। बट अगली लाइन पे है सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी, सी जो है वो डी से पहले मूवी देखना चाहिए, बट नॉट जस्ट बिफोर, पर एकदम पहले नहीं होना चाहिए। अब इस पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है जी, सी जो है डी के इमीडिएटली बिफोर मूवी देख रहा है, दैट मींस ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल है और ये अरेंजमेंट हमारा बनेगा। तो मंडे को एफ आएगा, ट्यूसडे को बी और वेंसडे को ई, थर्सडे को सी, एफ जो है फ्राइडे को ए और सैटरडे को डी एंड संडे को जी। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, Who among the following is going to watch movie on Wednesday? तो Wednesday को कौन मूवी देखने जा रहा है जी, हमारे पास E है, तो E कौन सी ऑप्शन में पड़ा है, D ऑप्शन में, that means my D option is definitely correct. Next क्या है, Who among the following person is going to watch movie just after A? तो A के बाद कौन मूवी देखने जा रहा है जी, immediately after A, तो immediately after A है D, तो B option is my definitely correct. मतलब अगर आपने एक बार अरेंजमेंट बना लिया तो ये समझ लो कि अगले 5 क्वेश्चन पे कोई ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं, इफ एफ एंड जी आर इंटरचेंज देयर डेज टू वॉचिंग मूवी, तो देन ऑन विच डे जी इज वॉचिंग मूवी, ठीक है, अगर एफ एंड जी इंटरचेंज कर ले, मतलब जी जो है यहां पर आ जाए एफ की बजाय और संडे को चला जाए कौन, एफ चला जाए, तब उसने पूछा कि जी कब मूवी देखेगा, तो जी मूवी देखेगा कब, मंडे को, तो ए ऑप्शन जो है हमारी यहाँ पे डेफिनेटली बनेगी। नेक्स्ट क्या है, सी इज वॉचिंग मूवी ऑन विच डे, सी कौन से दिन मूवी देख रहा है, थर्सडे को, तो दैट मींस डी ऑप्शन इज माई डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच कितने लोग मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वापिस आते हैं थोड़ा, बी एंड ए के बीच, तो यहाँ पे है एक और दो, दो पर्सन हैं हमारे यहाँ पे, तो मेरी ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन ये एग्जाम में हमारे पास आए हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है, देयर आर 6 पर्सन हु ऑल आर और डिफरेंट हाइट ए इज टॉलर देन सी एंड डी, जो ए है वो सी एंड डी से लंबा है उसकी हाइट, ठीक है, तो कहने का मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि ए जो है सी एंड डी से पहले आ गया हमारे पास। अब सी डी दोनों बराबर हाइट के भी हो सकते हैं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं, बट ए के बाद दोनों आएंगे। यस, नेक्स्ट क्या है, बट शॉर्टर देन ई, तो जो ए है वो सी एंड डी से तो बड़ा है पर ई से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बी इज द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट इज 102 सेंटीमीटर इन द हाइट, जो पर्सन थर्ड शॉर्टेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 102 सेंटीमीटर, तो थर्ड शॉर्टेस्ट, ये चीज ध्यान रखिए, थर्ड शॉर्टेस्ट इज 102 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट, बी इज टॉलर देन ए, तो जो बी है वो ए से बड़ा है, तो कहने का मतलब बी जो है ई से भी बड़ा हो सकता है, बट नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, इज नॉट द टॉलेस्ट, तो ई सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो दैट मींस
बी एंड ई मीन्स बी जो है सबसे बड़ा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे लाइन देखते हैं. द वन हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट इज 119 सेंटीमीटर. जो पर्सन सेकेंड टॉलेस्ट है उसकी हाइट 119 सेंटीमीटर है. तो हो सकता है ई ही सेकेंड नंबर पे हो, क्योंकि अभी हमारे पास एक पर्सन और है. कौन है वो? एफ है. तो अभी हम इसको नहीं लेके चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नीदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन. तो ए एंड सी में से कोई भी पर्सन थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए. तो दैट मीन्स इनके बीच एक पर्सन आएगा, वो कौन आएगा? एफ आएगा. ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि ए भी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए और सी भी जो है थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या बोल रहे हैं? सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल. और सी सबसे छोटा भी नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स जो है डी के लिए जो पोजीशन बनेगी वो सबसे लास्ट वाली पोजीशन बनेगी. और डी से बड़ा सी, सी से बड़ा एफ, एफ से बड़ा ए एंड ए से बड़ा ई एंड ई से बड़ा बी. एंड एफ इज टॉलर देन डी. तो एफ जो है वो डी से बड़ा होना चाहिए. तो मतलब थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन बनेगा कौन? बनेगा एफ बनेगा. और एफ की हाइट यहाँ पे उसने बोला था कि जो थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन है उसकी हाइट कितनी है? 102 सेंटीमीटर. एंड जो सेकंड टॉलर है उसकी है 119 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें दो पर्सन की जो हाइट है वो भी फिक्स दी गई है. क्लियर? तो ये 6 के 6 पर्सन हमारे अरेंज हो गए हैं, बी ई ए एफ सी डी. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं. क्या है हमारे पास? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड टॉलेस्ट. भाई सेकंड नंबर पे कौन था? ई था. तो हम ई जो ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे लेके चलेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए. तो ए की पॉसिबल हाइट कितनी हो सकती है? अब यहाँ पे देखिए कि ई की जो सेकेंड पर्सन है उसकी 119 सेंटीमीटर है, 119. और जो चौथे नंबर पे है उसकी है 102. कहने का मतलब जो ए की हाइट है वो 102 और 119 के बीच होनी चाहिए. तो 120 तो नहीं हो सकती, 100 भी नहीं हो सकती, 101. तो 112 सेंटीमीटर हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है. तो सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड शॉर्टेस्ट. तो तीसरे नंबर पे थर्ड शॉर्टेस्ट कौन बनता है जी? एफ बनता है. तो दैट मींस माय डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है, अगर सभी को भाई ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज एट इक्वल डिस्टेंस. अगेन अरेंजमेंट में से क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट है हमारे पास ये. तो 12 लोग हैं, दो पैरेलल रोज में बैठे हैं. ठीक है, तो रो 1 जो है किधर फेस करके बैठे हैं? साउथ में. कौन से? क्यू आर एस टी यू एंड वी. ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि जो रो 1 फेसिंग साउथ है तो 1 2 3 4 5 6 तो ये सारी जो है वो साउथ फेसिंग वाले हो गए, ये वाले. ठीक है, तो इस लाइन में कौन कौन पर्सन बैठे हैं? क्यू आर एस टी यू एंड वी. एंड सेकेंड जो लाइन है जो नॉर्थ फेसिंग है उसमें कौन बैठा है? बी सी डी एफ जी, ये रो सेकेंड एंड फेसिंग नॉर्थ. तो 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 के 6 पर्सन किधर फेस करके बैठे हैं? हमारे नॉर्थ फेसिंग है. यस, तो पहली लाइन हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे. क्या है हमारे पास? जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी. जो जी है वो बी के थर्ड राइट में है. अब हमारे पास पॉसिबिलिटी देखिए कि बी यहां पे हो सकता है. ठीक है, यहां पे तो 1 2 3 तो जी यहां पे बनेगा. अगर बी को यहां पे बिठा दें तो जी यहां पे बन गया. अगर बी यहां पे बिठा दें तो जी यहां पे बन गया. तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं. हमने तीन पॉसिबिलिटीज यहां पे नहीं लेके चलनी है. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? वन ऑफ द देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो. तो दोनों में से एक पर्सन किसी एंड पे होगा. तो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि बी को हम यहाँ पे लेफ्ट एंड में बिठा दें तो 1 2 3 तो इसके थर्ड राइट में कौन आ गया? जी आ गया. तो ये हमारी पॉसिबिलिटी. हम सेकंड पॉसिबिलिटी इसकी बना के चलते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेकंड पॉसिबिलिटी में हम जी को कॉर्नर पे बिठाएंगे तो यहां पे हमारा बी बैठेगा क्योंकि बी के थर्ड राइट में कौन है? जी.
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यू सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, जो क्यू है वो राइट एंड पे बैठा है रो के। अब क्यू देखिए साउथ फेसिंग है, तो राइट एंड साउथ फेसिंग में कौन सा होता है, ये वाला, तो क्यू हमारा बैठेगा यहाँ पे, इस एंड पे बैठेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में क्यू हमारा यहाँ पे ही आके बैठेगा। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है, थ्री पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू एंड टी के बीच तीन लोग हैं, तो एक दो तीन, यहाँ पे तीन लोग छोड़े तो टी यहाँ पे बैठेगा। तो सेम फंडा इज विद फर्स्ट पॉसिबिलिटी की टी हमारा यहीं पे ही बैठेगा। नेक्स्ट क्या है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जो एफ है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट है। तो अगर जी हमारा इस कॉर्नर पे है राइट एंड पे, तो एफ जो है इसके लेफ्ट में यहाँ पे आ गया। अगर जी यहाँ पे बैठेगा तो एफ यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज अभी तक सही चल रही हैं। नेक्स्ट क्या है, टू पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच कितने लोग हैं, दो लोग हैं। अब एफ अगर यहाँ पे बैठेगा तो दो लोग छोड़ेंगे यहाँ पे, तो सी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि इस साइड पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर एफ इस जगह पे बैठा है तो यहाँ पे दो लोग छोड़े और सी यहाँ पे आ गया, और कोई जगह नहीं बनती है जहां पे हम एफ और सी को बिठा सके। नेक्स्ट क्या है, सी हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी जो है वो किसको फेस कर रहा है, आर को। तो मतलब सी के सामने कौन बैठेगा, आर बैठेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, सी हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो जो सी है वो ई के इमीडिएट राइट बैठा है, तो मतलब ई हमारा यहाँ पे बैठेगा। इस पॉसिबिलिटी में ई यहाँ पे बैठ सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली रो में सिर्फ बैठने वाला कौन पर्सन बचा, डी, तो डी यहाँ पे बैठ गया। इस वाली रो में हमने डी को यहाँ पे बिठा दिया। नेक्स्ट क्या है, एस फेसेस डी, एस जो है वो डी को फेस करेगा, तो मतलब इस पॉसिबिलिटी में एस यहाँ पे आएगा, इस वाली पॉसिबिलिटी में एस हमारा यहाँ पे बैठेगा। नेक्स्ट क्या है, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो जो यू है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में ये एस का इमीडिएट लेफ्ट बनता है, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, यू बैठ गया। बट इस पॉसिबिलिटी में एस के लेफ्ट में बैठना पॉसिबल नहीं है यू का, तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी गलत है। और बचा कौन सा पर्सन सेकेंड रो में, वी बैठ। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप लीनियर अरेंजमेंट बना रहे हो तो लेफ्ट राइट ध्यान रखना, क्योंकि साउथ फेसिंग बंदे का राइट इस साइड चलेगा और लेफ्ट चलेगा दिस साइड। ठीक है, और नॉर्थ फेसिंग बंदे का जो राइट है वो चलेगा दिस साइड एंड लेफ्ट चलेगा दिस साइड। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, लेफ्ट एंड और राइट एंड का भी ध्यान रखना है, मतलब क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सोल्यूशन आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, हम जो है क्वेश्चंस को देख सके। फर्स्ट क्वेश्चन इसका चलते हैं, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो टू। अब रो टू जो कौन सी थी, नॉर्थ फेसिंग थी। ठीक है, तो उसके एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा है, बी एंड सी। कौन बैठा है, बी एंड सी, दैट मींस माय सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग वी, वी को जो फेस कर रहा पर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिंग वी, वी को फेस करने वाला जो पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। अब देखिए एफ को, सॉरी वी को फेस करने वाला पर्सन कौन है, जी। अब जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी। सो दैट मींस माय बी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यू की पोजीशन क्या बनती है आर के अकॉर्डिंग, तो अगर हम अरेंजमेंट में देखें तो एक दो तीन। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं हम, तो एक दो तीन, तो थर्ड टू द राइट, तो डी ऑप्शन इज माई डेफिनेटली करेक्ट। एफ को कौन फेस कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, एफ को कौन फेस कर रहा है, तो एफ को फेस करने वाला पर्सन है यू, तो दैट मींस माई बी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इफ द पोजिशन ऑफ ऑल द पर्सन सिटिंग इन अ रो टू आर अरेंज एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हू अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी। तो अगर सभी रो टू में बैठे पर्सन को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो कहते हैं डी को कौन सा पर्सन फेस करेगा। तो अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले बी ही बैठेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सी आ गया,
देन यहाँ पे डी आ गया। इसके बाद हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि डी को फेस करने वाला पर्सन कौन होगा, तो डी को करेगा यू फेस, तो दैट मीन्स माई ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल आपको एग्जाम में आईबीपीएस क्लेरिकल और पीओ में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो डे बाय डे इसका लेवल भी टफ होता जा रहा है, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार थोड़ा टफ, बट हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन इसमें डुएबल होते हैं प्रीलिम में, क्लेरिकल प्रीलिम में, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ऑल डीएसएलआर लेंसेज, तो ऑल DSLR lenses, तो हम इसको Venn diagram की शेप में बनाएंगे, तो all DSLR lenses, तो lenses का जो सर्कल है इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्या है, सम कैमरा आर DSLR, तो कुछ कैमरास जो हैं वो DSLR हैं, तो मतलब ये जो कैमरा वाला सर्कल है वो DSLR के अंदर से कट करके आएगा, तो ये जो हमारा सर्कल बन गया वो कौन सा बन गया, कैमरा का। तो हमारी फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल कैमरास आर लेंसेज, सारे कैमरास लेंसेज हैं, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देखिए कि यहाँ पे सारे कैमरास लेंसेज नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कहा कि सम कैमरास आर डीएसएलआर और डीएसएलआर लेंसेज के अंदर है, तो अगर कुछ डीएसएलआर कैमरास हैं तो दैट मीन्स कुछ लेंसेज भी कैमरा होंगे या कुछ कैमरा भी लेंसेज होंगे, दैट मीन्स माई फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली। नेक्स्ट इज सम लेंसेज आर कैमरास, कुछ लेंसेज कैमरा है, यस, क्योंकि डीएसएलआर के अंदर से कट करके कैमरा का सर्कल बन रहा है, दैट मींस वो सर्कल भी कुछ लेंसेज भी कैमरास होंगे, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली सही रहेगा, तो बी ऑप्शन इज माय डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगेन सिलोजिज्म, ऑल लेबल्स आर पैकेट्स, तो सारे लेबल्स क्या है, पैकेट्स हैं, तो लेबल का सर्कल अंदर बनेगा, पैकेट्स इसके ऊपर बनेगा। ऑल मोबाइल्स आर केबल्स, तो सारे मोबाइल्स क्या हैं, केबल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सम मोबाइल्स आर पैकेट्स, तो दैट मींस जो मोबाइल का सर्कल है वो पैकेट को कट करके आएगा, तो ऑल सम मोबाइल्स आर पैकेट्स एंड ऑल मोबाइल्स आर केबल्स, तो ये सर्कल हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, और सिलोजिज्म में आपको पता ही है कि डेफिनेट जब कंक्लूजन निकालना हो तो हमें ये चीज जरूरी होता है कि वो जो कंक्लूजन है सभी में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उन्होंने सम लेबल इज मोबाइल, तो कुछ लेबल मोबाइल है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेबल और मोबाइल में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अगर सेकंड कोई और पॉसिबिलिटी में सेटिस्फाई करता है तो भी ये मेरा गलत रहेगा, दैट मीन्स माई फर्स्ट conclusion is wrong. Next is some cables are labels, तो कुछ केबल लेबल हैं, तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो केबल और लेबल में कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी कंक्लूजन मेरा गलत है, तो यहां पे जो है बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, तो दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, फिर सिलोजिज्म से आया हुआ क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ये एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, तो पहला इसका क्या है, सम बुक्स आर पेन्स, तो कुछ बुक्स पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स का सर्कल बनेगा, तो सम बुक्स आर पेन्स, तो कुछ हिस्सा इसको कट करके आएगा, यस। सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन्स पेंसिल है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, ये बुक का सर्कल है, ये पेन का सर्कल है, एंड ये पेंसिल का सर्कल है, तो ये भी कुछ ऐसा बन सकता है, तो नो बुक इज पेंसिल, कहते कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, तो अगर इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट हम अपनी मर्जी से भी कोई रिलेशन यहाँ पे बता नहीं सकते, पर अगर इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो ये जो कंक्लूजन है वो सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन सभी पॉसिबिलिटी में सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, भाई इसमें भी कुछ हिस्सा ही पेंसिल ने अपना पेन को दिया, अब अगर सम है, अगर हम जिसको जितना दे रहे हैं तो हम उसी से उतना ही वापस ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये कंक्लूजन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे भी दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत जाएंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन क्वेश्चन जो है वो हमारा अरेंजमेंट में से है. यहाँ पे क्या है, 8 स्टूडेंट्स जो है आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल. इन सच अ वे 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स व्हाइल 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच. ठीक है, तो 8 लोग हैं एक स्क्वायर टेबल के जो है अराउंड बैठे हैं. ठीक है, 4 लोग कॉर्नर में हैं और 4 लोग हमारे जो बैठे वो मिडल में बैठे हैं. अच्छा, यहां पे उन्होंने साथ में हमें एक कंडीशन और दी है. वो क्या कंडीशन है कि द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस द सेंटर. तो जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं. ठीक है, एंड जो लोग मिडल में है वो फेसिंग आउटसाइड, मतलब उनका फेस बाहर की ओर है. ये चीज ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो लेफ्ट और राइट में होती है. जब भी पर्सन का फेस बाहर की ओर होता है तो उनका जो है क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड चलता है और एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड चलता है. बट अगर फेस जो है अगर फेस बाहर की ओर है तो हमारा क्लॉकवाइज राइट साइड चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट साइड चलेगा. अगर फेस अंदर की ओर है तो हमारा क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड चलेगा और एंटी क्लॉक राइट साइड चलेगा. तो ये चीज आपने प्रॉपरली ध्यान रखनी है जब भी आप इन अरेंजमेंट्स को बनाने चाहते हो. तो पहली लाइन क्या है, ए हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. तो ए जो है वो सेंटर की ओर फेस करके बैठा है. तो आप ऐसी अरेंजमेंट को कहीं से भी शुरू कर सकते हो. तो मींस मैंने ए को यहां पे बिठा दिया क्योंकि उसका फेस सेंटर है और वो है एफ के थर्ड लेफ्ट में. तो यहां पे एफ के लिए ये जगह बचेगी. यस, तो एफ का थर्ड लेफ्ट बनेगा 1 2 3. तो यहां पे ए बैठ गया हमारे पास. तो ये पॉसिबिलिटी हमारी यहां पे सेटिस्फाई कर रही है. नेक्स्ट क्या है, ई हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. तो ई जो है वो सेंटर की ओर फेस करके बैठा है बट एफ का नेबर नहीं है. दैट मींस ई यहां पे भी नहीं आ सकता और ई इस जगह पे भी नहीं आ सकता. तो ई के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है कि ई जो है इस कॉर्नर में आएगा क्योंकि एक कॉर्नर पे ए बैठा है. नेक्स्ट क्या है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी. एफ एंड जी के बीच एक ही पर्सन है. अब मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि एक जगह पे जी हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, एफ एंड जी के बीच एक पर्सन है. अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी लेके चलूं इसके अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ए हमारा इस कॉर्नर पे ऑलरेडी फिक्स है, ई यहाँ पे बैठा और एफ हमारे इस कॉर्नर पे फिक्स है. तो जी जो है यहाँ पे भी आ सकता है. यस yes? तो नेक्स्ट लाइन क्या है, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी. जो डी है वो बी के सेकंड राइट में है. पर यहाँ पे तो हमें बी की कोई पोजीशन नहीं दी गई है. तो दैट मींस अभी इस लाइन को हम स्किप करके चलेंगे, हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करते हैं. नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, बी फेसेस द सेंटर. तो बी सेंटर की ओर फेस करके बैठा है. ठीक है, अब बी के लिए पोजीशंस बनानी जरूरी है. तो अगर बी मैं यहां पे लेके बिठा, यहां पे लेके चलते हैं, तो उसने कहा डी जो है वो बी के सेकंड राइट में होना चाहिए. दैट मींस जो डी है वो यहाँ पे आ सकता है. यस, बट अगर मैं बी को यहाँ पे लेके चलता हूं तो जो डी है यहाँ पे नहीं आ सकता. तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज है, तो बी यहाँ पे बैठेगा और डी जो है इस कॉर्नर में आके बैठ सकता है. यहाँ पे अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की ओर चलें तो यहाँ पे भी यही जगह बचती है कि बी यहाँ पे बैठेगा और डी जो है हमारा यहाँ पे बैठ सकता है. नेक्स्ट लाइन क्या है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. जो सी है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए. तो इस पॉसिबिलिटी में दोनों ही कंडीशन में सी जो है ए का इमीडिएट नेबर बन रहा है. दैट मींस ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो रही है. तो सी यहाँ पे हमारा बैठ सकता है, एक जगह हमारे पास है सी के लिए. तो हमारे पास कौन सा पर्सन बचा, ए हमने बिठा लिया, बी सी डी ई एफ जी और यहाँ पे बचा एच. तो एच जो है हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा. तो दैट मीन्स माई फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली करेक्ट. तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे. एक एक लाइन को आपने समझना है, आपको अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर सकोगे. और ध्यान रखिए कि जो भी पॉसिबिलिटीज लेनी है उसको अलग लेके चलो. ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक में ही सभी को बिठा बिठा के देखना शुरू कर दिया तो ये समझ लेना कि आपका क्वेश्चन गलत होने जा रहा है. ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन does not belong to that
ग्रुप टू आउट ऑफ फाइव, इन फाइव में से चार एक ग्रुप में से हैं बट एक नहीं है, वो कौन सा है? तो हमारे पास बी, तो बी देखें तो ये सेंटर की ओर फेस करके बैठा है, यस। उसके बाद है सी, सी जो है मिडल में फेस करके बैठा है, ई जो है कॉर्नर पे है, डी कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे है, दैट मीन्स माई बी ऑप्शन जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है, विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर सीरीज सी बन रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें, बी सी ई, तो अगर हम इस चीज को देखें, इस अरेंजमेंट को, तो यहाँ पे बी सी ई, तो ये ऐसा अरेंजमेंट बनाया है। सेकेंड इसमें क्या है, ई एच ए, तो उसके बाद हमारे पास बना ई एच ए, मतलब ये क्लॉकवाइज एक पैटर्न जो है चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ए जी डी, तो यहाँ पे ए जी डी, तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, डी एफ बी, तो मतलब मेरी जो ऑप्शन आएगी वो कौन सी ऑप्शन आएगी, ए ऑप्शन आएगी। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट हमारा ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो जी की पोजीशन सी के अकॉर्डिंग कौन सी बनती है, तो यहाँ पे देखिए सी का फेस किधर है, बाहर की ओर, यस, सी का फेस बाहर की ओर है, तो वन टू थ्री फोर टू द राइट, या वन टू थ्री फोर टू द लेफ्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है, तो फोर टू द राइट, तो दैट मीन्स माय डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के थर्ड लेफ्ट में हमारे पास कौन बनता है, तो बी का फेस सेंटर की ओर है, तो वन टू थ्री, तो एच जो है वो बी के थर्ड लेफ्ट में बनेगा, तो दैट मीन्स माई ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट जो है कौन सी लाइन सही है, जी फेस इज द सेंटर, भाई जी का फेस सेंटर की ओर है, नहीं, जी का फेस बाहर की ओर है, बी फेस आउटसाइड, नहीं, बी का फेस सेंटर की ओर है, एच फेस इनसाइड, नो, ए फेस इज द सेंटर, यस, तो माई डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है लेटर स्पेसिंग का, यहाँ पे डिक्लेयरिंग एक वर्ड दिया गया है, तो डिक्लेयरिंग में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसमें उतना ही गैप है जितना कि नॉर्मल अल्फाबेट्स में होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बहुत जल्दी करने के लिए ये है कि आप इसमें जो जो क्लियर हमें दिख रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो आप इनकी नंबरिंग कर लो, डी कौन सा लेटर होता है, फोर्थ, ई फाइव, सी थ्री, एल ट्वेल्व, ए वन, आर एटीन, आई नाइन, एन जो है 14, एन जी होता है 7, तो 4 और 5, अच्छा ये ध्यान रखिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही जगह जाना है, तो 4 एंड 5 ये इकट्ठे पड़े हैं, तो ये एक हमारा पेयर बन गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी 4 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि कुछ बन सकता है, बट अगर देखें 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, तो नहीं बनेगा जी, तो और कोई पेयर डी के साथ किसी का नहीं बन सकता। अगर हम F के साथ, 5 के साथ देखें, मतलब E के साथ देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होना चाहिए था, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन के ऊपर हिट कर सकते हैं कि सर ये नहीं बन सकता हमारा, तो E के साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा। देन हम C के पास चलते हैं, तो ये थर्ड लेटर है, ठीक है, तो इधर भी हमारा 4, 5 होना चाहिए था, नहीं है, इधर भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये पेयर नहीं बनाएगा। देन हम 12 के पास चलते हैं, L लेटर जो है हमारा, तो 12 के बाद यहाँ पे 13, 14 वाली लाइन शुरू होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी 13, 14, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स L के साथ किसी का पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं A के पास, तो A जो है अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे 2, 3, 4 जो है यहाँ पे बनना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब फॉरवर्ड तो कोई पेयर नहीं बन रहा, बट अगर वापिस आए 1+2, 3, तो एक पेयर यहाँ पे हमारा बन सकता है ए एंड सी का। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट लेटर के ऊपर चले तो आर है 18, तो इसने फॉरवर्ड जाना था, तो फॉरवर्ड यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना रहा ये, ठीक है। अगर हम इस साइड पे आए, ठीक है, 18 के अकॉर्डिंग, तो इस साइड पे भी 19, 20, 21 होना चाहिए था, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये कोई पेयर अपना नहीं बना रहा है। देन उसके बाद हम नाइन्थ लेटर के ऊपर चलते हैं, तो 9 के ऊपर चलेंगे, तो इधर 10, 11 होना चाहिए था नई पेयर, तो यहाँ पे बन सकता है 9+3, 12,
ठीक है, तो एक पेयर हमारा यहाँ पे बनेगा आई और एल का, तो एक पेयर यहाँ पे बना, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम 14th लेटर के ऊपर चले तो ये भी अपना किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आ रहा है। अगर हम लास्ट लेटर के ऊपर चले जी के ऊपर, तो जी जो है सबसे पहले जो पेयर बनाएगा वो आई के साथ बनाएगा, दो लेटर्स का गैप है। देन उसके बाद 7th लेटर से जो एक पेयर बन रहा है वो एल का बन रहा है, 5 लेटर्स का जो गैप बनता है, तो ये दो पेयर अपने साथ बना के चल रहे हैं। तो तीन पेयर हमारे पास नीचे बने और दो पेयर ऊपर बने, दैट मीन्स यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो 5 पेयर बनेंगे, तो डी ऑप्शन इज जो है मेरा डेफिनेटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास थोड़ा ये क्वेश्चन हमें 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन सिंपल तो नहीं है बट इतना टफ भी नहीं है कि हम इसको कर ना सके। तो पहली लाइन में क्या है, पॉइंट सी इज 15 मीटर इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। तो ये 4 डायरेक्शन पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हम हमेशा मान के चलते हैं, इसके अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और इधर आ गया वेस्ट। तो जो पॉइंट सी है वो एफ के ईस्ट में है 15 मीटर, ठीक है। तो एफ हम यहां पे बना के चलेंगे एक पॉइंट, ठीक है। तो इसके ईस्ट में कौन आ गया जी, सी पॉइंट। कितनी डिस्टेंस पे बैठा है, 15 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है। तो सी पॉइंट मेरा यहां पे बनेगा। नेक्स्ट क्या है जी, पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो जो पॉइंट ए है वो बी के 10 मीटर वेस्ट में है, तो यहां पे बी बिठा लें एक बार, इसके 10 मीटर वेस्ट में कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो हमारा यहां पे बट गया। नेक्स्ट क्या है, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। तो यहां पे उन्होंने एक लाइन जोड़ी है, पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। तो जो बी है वो एच के 15 मीटर जो है वो नॉर्थ में है, तो हम यहाँ पे एच को बिठा के चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो जो पॉइंट डी है वो ई के 15 मीटर वेस्ट में है, तो ये एक अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो इसके बाद ये कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि जो पॉइंट बी है वो 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी है, तो कहने का मतलब ये सी यहाँ पे बैठेगा, तो इसके उन्होंने बोला था 15 मीटर, तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा के चलेंगे क्योंकि यहाँ तक तो 10 मीटर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एफ बैठेगा, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस 15 है और यहाँ पे ये जो है बी सी के 15 मीटर साउथ में आ गया। नेक्स्ट क्या है इसका, पॉइंट ई इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। तो जो पॉइंट ई है, जो पॉइंट ई है वो एच के 5 मीटर ईस्ट में है, तो कहने का मतलब कि हमारा जो ई है वो इस साइड में आएगा और कितने मीटर ईस्ट में है, 5 मीटर। तो अब डी और ई का जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है, 10 मीटर का, तो दैट मींस ये 10 मीटर हमारा यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे कौन आके बैठेगा, डी बैठेगा, और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस डी और एच का 10 रह गया, टोटल जो है वो 15 है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पॉइंट जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो जो हमारा पॉइंट जी है वो ए के नॉर्थ में है 15 मीटर, तो यहां से हम चलेंगे ए के नॉर्थ में, यहाँ पे एक सीधी लाइन हमारी ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट कौन बनेगा, जी बनेगा, मतलब जी और सी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का आ गया, यहाँ पे 5, और एफ और सी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 मीटर का है, तो बाकी का हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझना। ठीक है, तो ये हमारा जी पॉइंट बन गया, क्लियर। तो ये अरेंजमेंट हमारा जो है पूरा डायरेक्शन में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है जी, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट जी फ्रॉम सी। ठीक है, तो जो
जी पॉइंट है वो सी से कौन सी डायरेक्शन में और कितने मीटर में है। तो पॉइंट जी जो है वो सी से कौन सी डायरेक्शन में, तो सी से यहां से चलेंगे तो ये बनता है वेस्ट, तो 10 मीटर वेस्ट इज द आंसर। तो दैट मींस माय सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के अकॉर्डिंग डी कौन सी डायरेक्शन में है, तो ए के अकॉर्डिंग डी कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, साउथ डायरेक्शन में। तो मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पॉइंट एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, तो जो पॉइंट एफ है वो ई के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में चलता है, तो ये ई है तो ई के अकॉर्डिंग एफ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर हम यहां से चलते हैं तो दिस वन इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो दैट मींस माय आंसर इज डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है मेरा डेफिनेटली करेक्ट है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक वर्ड्स का सीक्वेंस दिया गया है, टैप नॉट मैट पी क्यू आर एंड एस टी बी, तो इसको हमें पढ़ना है। ये देखिए, द न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशनड ऑपरेशंस मे नॉट नेसेसरी बी अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो अगर मेरे पास क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे अपियर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाए, ठीक है, कहां से राइट टू लेफ्ट, तो ये चीज ध्यान रखिए कि यहां पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले क्या आएगा, एम आएगा, राइट टू लेफ्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एम वाला मैट आ गया। दूसरे नंबर पे जो वर्ड अरेंज होगा वो होगा नॉट, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो अरेंज होगा एम एन ओ पी, तो यहाँ पे हो गया पी क्यू आर वाला जो है अरेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास एस जो है अरेंज हो गया, एंड देन उसके बाद अरेंज हो गया टी। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बनती है। तो उन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से सेकंड कौन बनेगा, तो सेकंड कौन बनेगा जी हमारे पास, एस टी बी वाला जो बनेगा, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। तो दैट मीन माई सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से जो सेकंड वर्ड है उसका थर्ड लेटर, तो ये कौन है, टी है, ठीक है। एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से जो थर्ड वर्ड है, एक दो तीन, तो मैट इसका सेकंड लेटर है ए। तो मतलब उन्होंने ये पूछा है कि ए एंड टी के बीच कितने लेटर्स हैं। अगर हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में देखें तो ए होता है हमारा फर्स्ट लेटर और टी जो होता है हमारा 20th लेटर होता है, तो इनके बीच कितने लेटर्स बैठे हैं, 18 लेटर्स, क्योंकि टोटल ए से लेकर टी तक 20 लेटर्स बनते हैं, तो दो तो ये खुद ही हो गए, तो बीच में कितने लेटर्स बैठेंगे, 18 लेटर्स बैठेंगे। तो दैट मीन्स माई सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड गिवन इट द सेकेंड अल्फाबेट इज रिप्लेस बाय इट्स फॉलोइंग अल्फाबेट एंड थर्ड अल्फाबेट इज रिप्लेस बाय इट्स प्रीसीडिंग एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल बी विदाउट एनी वॉवल्स। तो अगर हम इनको अरेंज करें कैसे कि सेकेंड अल्फाबेट जो है वो किसके साथ रिप्लेस किया जाए, उसके नेक्स्ट लेटर के साथ, और जो उसका थर्ड है उसके पिछले लेटर के साथ जो है इसको चेंज कर दिया जाए। अब वर्ड लिख लें फटाफट, हमारे पास कौन से है, टैप नोट मैट पी क्यू आर एंड एस टी बी। अब इनके हर जो वर्ड के सेकंड लेटर को इसके नेक्स्ट लेटर के साथ रिप्लेस करने, तो फर्स्ट तो एज इट रहेगा, ये बन गया बी। अब P को इसके पिछले लेटर के साथ, तो P से पहले क्या आता है O, तो N as it, O का नेक्स्ट क्या होता है P, और T से पहले क्या आता है जी हमारा S, तो यहाँ पे S आ गया। M as it, A का नेक्स्ट क्या बनेगा B, और T से पहले क्या आता है S, तो यहाँ पे S आ गया। नेक्स्ट P as it रहेगा, तो Q का नेक्स्ट क्या होता है R, और R से पहले क्या रहता है Q, ठीक है। नेक्स्ट आ गया S as it, तो T से पहले क्या रहता है U, और T का नेक्स्ट क्या रहता है U, और B से पहले रहता है A। तो अब क्वेश्चन क्या है कि then how many words does form with without any vowel, जिसमें कोई भी vowel ना हो। अब देखिए इसमें तो O already vowel है, तो ये cancel हो गया। इसमें कोई vowel नहीं है, एक
इसमें कोई वोवल नहीं है दो, और इसमें कोई वोवल नहीं है तीन, तो हमारे पास ये बनेंगे तीन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ये वर्ड बन रहा है, तो तीन वर्ड्स हमारे पास बनते हैं, दैट मीन्स माई आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें भी वोवल है, ये हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट इन द ईच ऑफ द वर्ड गिवन आर इंटरचेंज, तो देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड। तो इसके हर वर्ड के पहले और तीसरे लेटर को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब ये बनेगा पी ए टी पैट, इसके बाद बनेगा टॉन, ठीक है, ये बनेगा टैम, और इसका बनेगा आर क्यू पी, एंड इसका बनेगा बी एस टी बी टी एस। ठीक है, तो कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो मीनिंगफुल हैं इनमें से, तो कौन कौन से यहां पे मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं हमारे पास, पी ए टी पैट बनता है, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कौन सा बनता है, टॉन बनता है, टैम बनता है, तो ये तीन जो है हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, आर क्यू पी इज नॉट अ मीनिंगफुल एंड बी टी एस इज नॉट अ मीनिंगफुल, तो दैट मीन्स माई ऑप्शन इज डी। तो थ्री वर्ड्स हैं जो मीनिंगफुल वर्ड बना रही हैं, तो इनको चेंज करके हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, हर कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस लेटर के साथ चेंज कर दिया जाए और हर वोवल को उसके नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज कर दिया जाए, तो जो भी वर्ड्स बनेंगे उनमें से ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन वोवल होना चाहिए। तो फिर एक बार वर्ड्स को लिख लें यहाँ, तो थोड़ा इजी रहेगा। तो क्या है, टैप, नोट, ठीक है, मैट, पी क्यू आर और एस टी बी। अब उन्होंने क्या कहा, हर कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस लेटर के साथ, तो टी से पहले क्या होता है जी, पी, अब ए वॉवल है तो इसका जो है नेक्स्ट क्या बनेगा, सॉरी, तो प्रीवियस है तो टी से पहले बनेगा एस, सॉरी, ए का नेक्स्ट क्या बनता है बी, तो पी से पहले क्या आता है ओ, तो एन का जो प्रीवियस लेटर होता है वो एम होता है, ओ का जो नेक्स्ट होता है वो पी होता है, टी से पहले एस, देन उसके बाद एम से जो पहले आएगा वो एल आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे एस, अगर पी क्यू आर को देखे तो पी से पहले ओ आएगा और क्यू के बाद आएगा, क्यू से पहले आएगा पी और आर से पहले आएगा क्यू, क्योंकि ये सारी कॉन्सोनेंट है। एस से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा आर, और टी से पहले यहाँ पे क्या बनेगा एस, और बी से पहले बनेगा ए, तो यही हमारे पास बनेगा। अब उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जहाँ पे कम से कम एक बार वॉवल तो आ ही रहा है, तो एक बार वॉवल वाले कितने वर्ड्स बनते हैं हमारे पास, एक तो ये बनता है एक, एक ये बनेगा हमारे पास दो, और तीसरा बनेगा ये, और कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स माई ऑप्शन इज डी, तो डी ऑप्शन जो है मेरा डेफिनेटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अरेंजमेंट, तो देयर आर सेवन पर्संस ए बी सी डी एफ जी एंड दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, तो यहाँ पे भी दो चीजें दी गई हैं कि पर्सन का नेम दिया गया है और उनकी सिटीज दी गई है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि हम किसको फिक्स करके चलेंगे, पर्सन को फिक्स करके चलेंगे, इससे मुझे अरेंजमेंट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम पर्सन के, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है जी, तो पहली लाइन को पढ़ते हैं हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, डी बिलोंग्स टू पुणे, तो डी किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, पुणे से कर रहे हैं, तो डी के सामने हम किसको लिख देंगे, पुणे को लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नीदर ए नोर एफ बिलोंग्स टू कोलकाता, तो ए भी जो है कोलकाता से बिलोंग नहीं करते हैं और एफ भी जो है वो कोलकाता से बिलोंग नहीं करते हैं, बी बिलोंग्स टू अहमदाबाद, तो बी जो है वो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो यहां पे बी के सामने हम लिख देते हैं अहमदाबाद को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्या है, सी डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता एंड लखनऊ, तो सी जो है वो कोलकाता से भी बिलोंग नहीं करते एंड लखनऊ से भी बिलोंग नहीं करते हैं, एंड जी बिलोंग्स टू मुंबई, जी जो है वो कहां से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, ठीक है जी। ए डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ, तो जो ए है वो भी लखनऊ से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, एंड चेन्नई, एंड चेन्नई से भी ये पर्सन जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो चेन्नई से भी ये पर्सन बिलोंग नहीं करते हैं।
अब देखिए कोलकाता एफ के पास भी नहीं आएगा, कोलकाता सी के पास भी नहीं आएगा और कोलकाता ए के पास भी नहीं है, तो कोलकाता के लिए सिर्फ एक ही पर्सन बचता है, वो कौन बचता है? ई। तो ई जाएंगे कोलकाता। क्लियर हुआ जी? अब देखिए ए जो है वो लखनऊ से नहीं है, सी भी जो है वो लखनऊ से नहीं है, तो यहाँ पे लखनऊ जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? एफ के लिए बचेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हमारे पास ए और सी बचा है। अब देखिए ए जो है वो कहां से बिलोंग नहीं करते? चेन्नई से। तो फिर सी जो है वो कहां से बिलोंग करेंगे? चेन्नई से, क्योंकि एक ही जगह बचती है सी के लिए, तो सी आ गए हमारे यहाँ पे चेन्नई। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? दिल्ली। तो फिर ए जाएंगे हमारे दिल्ली। इज दैट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन आया, मतलब आप 2-2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और बहुत अच्छे से, वो बहुत बढ़िया से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसकी सेकंड बन रही, एक ही पॉसिबिलिटी में सारा अरेंजमेंट हुआ। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या है जी? हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कोलकाता? तो कोलकाता से कौन बिलोंग कर रहा है? ई। तो दैट मीन्स माय आंसर इज नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन आएगा जी हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ए बिलोंग्स टू चेन्नई, ए चेन्नई से बिलोंग करते हैं? नहीं करते जी, तो ये हमारी कैंसल होगी। जी बिलोंग्स टू दिल्ली? नो, तो ये भी कैंसल। ई बिलोंग्स टू कोलकाता? यस, तो दैट मीन्स माय सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बिलोंग्स टू विच सिटी? तो एफ कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं जी? लखनऊ से, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। Which of the following combination is true? 34th question क्या कहता है? कौन सा combination सही है? A दिल्ली, A दिल्ली से belong करते हैं? Yes, ये भी सही है। D पुणे से belong करते हैं? Yes, ये भी सही है। E कोलकाता से belong करते हैं? Yes, ये भी सही है। That means all are correct। ये चीज ध्यान रखना students कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देख के ही आपने आंसर नहीं टिक करना, आपके पास एक ऑप्शन ऑल आर करेक्ट भी पड़ी है, दैट मींस आपको पहली तीनों ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्या है? ए बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो ए कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पे आएगा। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें यार, ठीक है? तो आने वाले टाइम में और भी IBPS रिलेटेड वीडियोस जो है मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा, ठीक है? और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, ठीक है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।